गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले सिटी। 8 दिन राइड करने के बाद हम लोग कल रात 7 बजे पहुंच गए ले। हमारा जो होटल है ना, यहाँ से आप ले का पूरा व्यू देख सकते हैं, कितना खूबसूरत बढ़िया व्यू आ रहा है। बाकी अभी चलते हैं सिटी में, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे घूमने के लिए, मुझे इतना पता नहीं है। जहाँ पे जाऊंगा उसका नाम, कहाँ पे आपको कैसे जाना है, सारा डिटेल बताऊंगा। आज हम देखेंगे पूरा ले सिटी। हम लोग को ना सबसे पहले जाना है पास बनवाने के लिए, वहाँ पे जाके किसी भी एक एजेंट को पकड़ना है, क्योंकि कल हमें जाना है यहाँ से आगे पेंगोंग लेक की ओर। तो उसके लिए पास बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम एक ही बाइक से जा रहे हैं, मैं मंजिल भैया के बाइक पर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना अभी अपनी बाइक कहाँ परमिट का काम हो गया। 5 दिन के लिए परमिट बनवाया, 600 रुपये लगा। अभी फिलहाल जाते हैं पैलेस, वहाँ से पूरा ले का व्यू दिखता है। आप हम लोग पहुँच गए ले का जो पैलेस है, क्या नाम है इसका? ये लद्दाख पैलेस। लद्दाख पैलेस है, मुझे नाम नहीं मालूम था, इनको पूछा। और ये ऊपर से ना पूरा ये ले का ना व्यू दिखेगा। तो अभी मैं सीधा चढ़ता हूँ ऊपर। ये फर्स्ट विजिट है ले पे, बहुत जगह जाना है। पूरा वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ले में देखने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। 9th फ्लोर के ना छत पे और सीढ़ी चढ़ चढ़ के सांस पूरा फूल गया। बाकी ये व्यू एंजॉय करो आप, पूरा का पूरा ले सिटी दिख रहा है यहाँ से। ये देखो है ना, गजब वाली चीज़। ये हमारा फर्स्ट मतलब पॉइंट है ले में विजिट करने के लिए। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे दूसरे पॉइंट पे। ओके गाइस, फाइनली शांति स्तूपा। अगर आप ले में घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें सर्च करते हो गूगल पे, तो सबसे पहले जो नाम आता है ना शांति स्तूपा। बहुत सांस फूल रहा है क्योंकि नीचे से ना पैदल 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 चढ़। मनाली से आते हैं, फिर मनाली से ही वापस होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आज ही के दिन मैग्नेटिक हिल्स ये सब ना मतलब श्रीनगर वाली रोड पे पड़ता है, तो वो लोग उधर से जाते हैं। लेकिन हमारा प्लान कुछ अलग है, हम लोग जाएंगे भैया श्रीनगर। अभी यहाँ से चलेंगे दूसरे प्लेस पे, उसका नाम मैं वहीं पे जाके बताऊँगा आपको। फाइनली हमारा जो 3rd पॉइंट है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे आए। मैं एक बार गाना गाता हूँ, जुबी जुबी पंपा ना जुबी जुबी परंपा, ऐसे कुछ था ना। तो अभी यहाँ पे आए, देखते हैं फिर यहाँ से एंट्री करते हैं। तो कहाँ पे आए ये देख के समझ जाओ तुम लोग। देखो भाई, 3 हीरो और वहाँ पे लिखा गया द ऑल इज वेल द आइकनिक वॉल। और भाई ये जहाँ पे ये बैठ के देखो भाई, वो गाना थे ना ऑल इज वेल वाला सीन यहीं पे हुआ था। देखो और यहाँ पे ना कुछ वॉल पे कुछ कोटेशन वगैरह दिया हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सारा कुछ इस तरह से यहाँ पे अंदर का जो सराउंडिंग इस तरह से दिया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है भाई। लद्दाख, ले लद्दाख आओ और यहाँ पे विजिट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये वाला वॉल देखो भाई, बताते कि ये एक्चुअल में ओरिजिनल वाला नहीं है, इसके ना बैक साइड में स्कूल है, स्कूल का लेकिन सिमिलर वॉल ऐसे ही यहाँ पे बनाया गया इसी पेंट के साथ। तो ये मैसेज मुझे जो मिला ना, ये यूके राइडर 2 महीने पहले विजिट किए थे, तो उन्हीं के द्वारा मुझे पता चला। और मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटो वोटो लेता हूँ, फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके देखो भाई। ये जो शायद मूवी में वो नाम लिखता है ना, जब आमिर खान बोर्ड में जाके ऐसा कुछ नाम लिखता है, फिर अपना जो प्रोफेसर उनको पूछता है कि मैंने क्या लिखा है, तो वो बोलता है कि इसमें मेरे दोस्त का नाम है, शायद वही वाला है मुझे ऐसा लगता है। हम आगे बढ़ रहे हैं मैग्नेटिक हिल्स की ओर।
और मैं फिर आपको सीधे मैग्नेटिक हिल्स में मिलूँगा, क्योंकि बहुत ही तेज हवा है यहाँ पे, बहुत ही तेज। आई थिंक यही है मैग्नेटिक हिल्स, मैग्नेटिक हिल्स इसी को बोलते हैं क्या सर जी? गाड़ी को इस वाले मोड़ पे उधर को घुमाना कि इधर घुमाना है मैग्नेटिक हिल के लिए? इधर से उधर को जाना। अच्छा डाउन, डाउन ही है भाई। ये तो ऐसे भी डाउन ही है, डाउन कौन है? खत्म हो गया सब पावर अब। पावर नहीं है, मतलब यही है आपको इस साइड से उधर जाना है। अच्छा इस साइड से ही जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है जी, थैंक यू सर। डाउन में तो ऐसे भी गाड़ी जाएगी ना, ये तो ऐसे भी उधर रोड डाउन ही दिख रहा है। क्या जा रहा है ये तो, अपने पैर से जा रहा है, क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोड ऑलरेडी जब हम लोग हाई हिल से आ रहे हैं ना तो ऑलरेडी इधर डाउन ही है। ये बस जो कल मैंने वीडियो देखा था ना एच जे ब्लॉग, जो शुभम भाई है वो बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बस बस ऐसा ही है सीन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मैग्नेटिक वैग्नेटिक कुछ भी नहीं है। डाउन है तो भाई जाएगा ही नहीं गाड़ी। पहले बताते कि रोड कुछ प्लेन था यहाँ पे तब होता था, अब तो ऐसे ही रोड हमें तो डाउन ही नज़र आ रहा है इधर पे। चलो फिर भी कोई नहीं, एक मतलब लैंडमार्क है तो हम चाहते थे कि एक्सपीरियंस लेने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी मेरे साथ वो वाला मतलब लेने का कोई बात ही नहीं बनता ना, ऑलरेडी रोड डाउन है। तो ये मैं अभी यहाँ पे गाड़ी न्यूट्रल में लगाऊँ तो गाड़ी नीचे ही जाएगी ना, हाँ अप जाती तो अलग बात थी। चलते हैं अभी नेक्स्ट संगम की ओर, जो कि दो नदी का वहाँ पे मिलन होता है, जो पॉइंट की मैं आपको बात कर रहा था, इंडस रिवर और जंस्कर रिवर का जो संगम होता है वो वाला, जो मैं व्यू की बात कर रहा था ना, मैं ऊपर से पहले मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपको मेरे ये वाला जो पोर्शन है ना लेफ्ट से, मतलब ये इंडस रिवर है और उधर से जो आ रहा है वो आ रहा है जंस्कर रिवर, और इनका जो संगम हो रहा है यहाँ पे मिलन हो रहा है देखो, और दोनों का कलर डिफरेंस देखो, ये कितना साफ है, मतलब एक ब्लू कलर आ रहा होगा और उधर वाला आपको हल्का सा मैला टाइप नज़र आ रहा होगा। तो एक नदी दूसरे नदी से मिक्स नहीं होना चाहता, मतलब क्योंकि इनका जो कलर है ना देखो दोनों में कितना फ़र्क है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है, राफ्टिंग होता है। गाइस पूरा दिन ले एक्सप्लोर करने के बाद रात को हम लोग गए ले मार्केट, मेरा मुझे पता नहीं था कि मेरा मोबाइल में टाइम लैप्स था। हमें टाइम लग रहा है सिम निकालने के लिए, तो तब तक मैंने सोचा कि आपको जरा एक बारी ये वाला जो मार्केट है ना ये दिखा दूँ। और मतलब अभी तो अंधेरा हो गया, आप दिन में आओगे ना, जब भी आओ आप ले आओ तो दिन में आना, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगेगा आपको देखने के लिए।